आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। बेहतरीन कलाकार वंदना कलामंच के कलाकार यदि मुझे सुन रहे हो आप मंच पर रिपोर्ट करें। वंदना कलामंच Oh,
इसके बाद शिमला से राकेश हमारे बीच में आ रहे हैं। ये सर्वतिया
बुलाए हैं। गुलाम अली को सुनते हैं, आपसे निवेदन है शोर कोई नहीं करेगा क्योंकि गुलाम अली आ रहे हैं। गुलाम अली
रफी साहब की याद में Thank you.
मेरा सोनी जी एकदम से आ जाए और कहना चाहूंगा, ना मेरा है ना तेरा है, ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर सब जी कही गई बात तो नुकसान सबका है और हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, जब पहुंच गए वो कह गए भगवान सबका है। स्वाति 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 और साथ ही साथ भावना संध्या और स्वाति दोनों मंच पर आ जाए। बिल्कुल दोनों तैयार है।
किया तनुप्रिय का भी जोरदार ताली बजा स्वागत के लिए।
Never have you known me like this.
शिखर आर्य, शिखर आर्य आप सीधे मंच पर आ जाएं। अभी बहुत से कलाकार हैं, कलाकार मैं चाहूंगी हमारे साथ यहीं पे बने रहे, हमारे बीच में आने हैं शिखर आर्य। Yeah.
हमें भी अच्छा नहीं लगता है जब ऐसे कलाकारों को जल्द बुलाना पड़ता है, लेकिन क्या करें, कलाकारों से कलाकारों के लिए लड़ाई है। यदि एक कुछ ज्यादा समय मिलेगा तो पीछे वाले बहुत सारे कलाकार रह जाएंगे। इसी कड़ी में एक बार हम जिला शिमला के ठियोग का रुख कर रहे हैं। एक बहुत ही अव्वल दर्जे के बांसुरी वादक है, आकाशवाणी शिमला से बांसुरी वादक में इस कलाकार को ए श्रेणी का दर्जा दिया गया है। ये हम सभी के लिए बहुत चुनिंदा ऐसे कलाकार हैं जिनको ए श्रेणी का दर्जा दिया गया है, और साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही फेमस बांसुरी वादक रेणु मजुमदार जी के ये शागिर्द हैं। संगीत की बहुत जबरदस्त परख इस कलाकार को है। जब आप इनकी बांसुरी की धुन को सुनेंगे, यकीन मानिए आप मदहोश होने वाले हैं। तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हरिदत्त भारद्वाज को बुला रहा हूं। हरिदत्त भारद्वाज हमारे बीच में। Handsome boy, a talented boy, जो कि हमारे बीच में धमाकेदार परफॉर्मेंस लेकर
क्या हाल है सभी का, क्या एनर्जी नहीं है, क्या हाल है सभी का। डीजे प्ले द म्यूजिक मैन। तो मेरा नाम है राजीगर, आई एम प्रेजेंट चंबा हिप हॉप। Much love to you.
अनुरागिनी आप सीधे मंच पर आ जाएं, अनुरागिनी और उसके बाद सुरेंद्र कपूर। अनुरागिनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट ऑन द माइक एज सून एज पॉसिबल।
सीधे शुरुआत करते हैं, आपने ढोला का बहुत सारा प्यार दिया, ढोला दिया टप टप पाए पाए हम लोग। Thank you.
Oh,
क्या बात है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। आप सबकी जोरदार तालियां एक बार रहनी चाहिए। अच्छा इतनी सी तालियां बार बार यहां से बोल रहे हैं, चंबा 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 चंबा। मुझे पता है चंबा के लोग कैसे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार ताली बजा दीजिए। ये बात ऐसे ही तालियां बजती रहनी चाहिए। और दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, जिनसे दोस्ती होती है वो लोग खास नहीं होते। हम लोग जितने लोग यहां पर बैठे हैं, जब हमारे विचार आपस में मिलते हैं तो हमारे दोस्त ही रहते हैं। हर किसी का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। तो आपके बीच में एक और बेटी को आवाज देने जा रही है मधु, तो इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए।
देखने के लिए एक पल काफी है, किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफी है, उसे प्यार करने के लिए एक साल काफी है, लेकिन उसे उस चेहरे को भुलाने के लिए पूरी जिंदगी कम है। तो एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए, जिससे प्यार करते हैं उसके लिए तालियां बजा दीजिए, प्रशासन के लिए तालियां बजा दीजिए। हाँ, आप चाहें तो सीटियां बजा सकते हैं। अब आपके बीच में भगवान भोले शंकर की नगरी में है, भगवान भोले शंकर की स्तुति के लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं, शिव तांडव लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं क्रेजी होपर्स डांस ग्रुप। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। एक बार जयकारा लगा दीजिए, बिल्कुल यही है। भोले शंकर महाराज की, वेरी गुड। हमारे बीच में क्रेजी होपर्स डांस ग्रुप आ रहा है मंच पे। Yeah.